पहाड़ के बीच में एकदम नदी। ये देखो कितना ज्यादा पहाड़ी पहाड़ पूरा दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं कुदलगढ़ी माता के मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और मेरे साथ दोनों विकास लोग भी जा रहे हैं। वैसे डिस्टेंस की बात करूँ तो 100 किलोमीटर के आसपास है। मेरे यहाँ शासन से 90 दिखा रहा था मैप पे, बट हम लोग नापे उपे नहीं है। एक बार मैं गया था बहुत पहले, तो 100 के आसपास मान के चलते, 100 आना 100 जाना मतलब 200 किलोमीटर। तो अभी हम लोग बाइक में तेल वेल डला लिए हैं, फटाफट अभी निकलते हैं भाई फुल पावर में। चलो आगे का क्या सीन रहता है देखते रहो, काफी अच्छा व्यू आता है और आप लोगों को भी दर्शन करके दिखाते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। फटाफट अभी चलते हैं भाई। अभी गाइज आ गए हैं मुहरसोप, लगभग 42 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। अभी 50 किलोमीटर और जाना है, तो अभी दिखाते हैं भाई। अगर आप लोगों को तेल पेट्रोल अगर चाहिए गाड़ी के लिए, देखना ऐसे डब्बे में टंगे आप लोगों को रास्ते में, हर दुकान पे दिख जाएगा। अगर पेट्रोल वेट्रोल अगर कहीं पे ख़त्म भी हो जाता है तो अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं यार। अब हम लोग सुबह से निकले हैं तो कुछ खाए भी नहीं है, भूख भी लग रही है बहुत तेज। वैसे घर पे तो 9 बजे के आसपास खा लेते हैं, 9-10 बजे, तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अभी चलेंगे आगे। अभी 50 किलोमीटर के आसपास है, अभी आधा भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं कब तक भर में पहुंचते हैं। तो अभी गाइज आ गए हैं, अभी तो काफ़ी आगे आ गए हैं, हमको भी नहीं पता है कहाँ आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे लक्ष्मण भगवान जो थे उनके पाँव का निशान है, यहाँ पे काफ़ी माना जाता है, उसके बारे में कुछ लिखा भी है इधर, और उधर भी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो पाँव का निशान दिख रहा है ना, ये लक्ष्मण भगवान जी का है। और अभी हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, और लेट क्या, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, 12:30 बजने वाले हैं। थोड़ा बीच में रुक गए थे, बाइक वाइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से और सीधा मिलते हैं आप लोगों से आगे। चलो, तो अभी गाइज आ गए हैं घाटी पे, जो बड़ी वाली घाटी है। यहाँ से पूरा रास्ता एकदम नीचे ऐसे है, बहुत बड़ी घाटी है यहाँ पे, तो आगे चल के दिखाते हैं। इसका कुछ नाम भी है, बाघ वाक करके, बाघ घाटी शायद बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पूजा वूजा भी किया जाता है, जितने भी गाड़ी वाले कोई भी आते हैं तो वो लोग पूजा करते हैं। अभी हम लोग तो नारियल वारियल लेके नहीं आए, नहीं तो हम लोग भी पूजा करके जाते हैं। गाइज ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से व्यू दिखाते हैं, पहाड़ काफ़ी तगड़ा आता है। ये देखो कितना ज़्यादा पहाड़ी पहाड़ पूरा दिख रहा है, और इतना घना जंगल है ना क्या ही बताएं। अगर इधर बीच में कहीं गाड़ी फंस गई ना तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इसीलिए बोल रहा था कि बैकअप के लिए 2 गाड़ी लेके जरूर आना, मतलब एक गाड़ी पे मत आना, 2 गाड़ी रखना। अगर एक ख़राब भी हो जाती है तो दूसरे को हेल्प करके पहुँचा दोगे कहीं ना कहीं। और इधर जंगल देखो भाई कितना अच्छा व्यू लग रहा है, पूरा पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है, पूरा जंगल ही जंगल। वैसे बता दूं गाइस, इधर आप मुहरसोप से 40 किलोमीटर पूरा जंगल पड़ता है, बीच में 2-4 ही घर मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत कम लोग आ जा रहे हैं इसमें, मतलब 10-15 मिनट में 1-2 गाड़ी बस ऐसे ही आ रही है। वो भी अगर आप लोगों को जरूरत भी पड़ जाएगी तो बीच में कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इतना सारा घना जंगल है, सब लोग डरते हैं जंगल में। तो भैया आना जब भी तो 2 गाड़ी से ऊपर ही आना। तो अभी गाइज आ गए हैं नदी के पास, यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है, अगर कोई भी आता है तो यहाँ से अक्सर नहा के ही जाता है। और भाई व्यू काफ़ी शानदार आता है, मैं यहाँ पे 4-5 साल पहले आया था तो बहुत मज़ा आया था। ये देखो इधर का व्यू देखो, काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरा पहाड़ी एरिया। आप ही अपना बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, उसको थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। और अभी हम लोग अगर घर से ना नहा के आते तो ज़रूर नहाते, थोड़ा लेट भी हो रहा है, हम लोग घर से ही नहा के आ गए तीनों लोग। और एक नंबर ठंडा ठंडा पानी आता है भाई, व्यू देखो पहाड़ के बीच में एकदम नदी, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी वाला सीन हो, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। फटाफट अभी अपने बाइक को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। तो अभी गाइस पहुंच गए हैं कुदलगढ़ी माता के मंदिर के पास, और अभी अपना बाइक को एक लगा ली है पार्किंग में। देखो हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया आने में, तो अभी फटाफट पूजा वूजा करके निकलना भी है अंधेरा होने से पहले, तो अभी फटाफट नारियल वारियल ले लेते हैं भाई, नारियल दे दीजिए। तो अभी गाइस फाइनली पहुंच गए हैं कुदलगढ़ी माता के मंदिर के पास, अभी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ये है इसका एंट्री गेट। और भाई काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ उड़ नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर इधर ना नवरात्रि के टाइम भीड़ रहता है। और ये देखो भाई इधर इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, पूरा लाइन लगती है इधर बाहर। और ये है इसका गेट, अभी कुछ हम लोगों की सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, अभी हाथ पैर भाई काम ही नहीं करेगा, इतना ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो अभी गाइस हम लोगों को 1000 पूरी सीढ़ियाँ चढ़ना है, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा टफ काम है, काफ़ी मतलब
पैर वैर दर्द देने लगता है। वैसे मैं यहाँ पे दो बार आ चुका हूँ तो दोनों बार हालत खराब हो गई भाई, काफी ज्यादा ऊपर है यार, एकदम सीढ़ी ऐसे नहीं है सीधा, ऐसे ऊपर हाइट में दिखता। अभी ये देखो फटाफट अभी चढ़ते हैं भाई, काफी टाइम लगेगा। तो अभी गाइस हम लोग 40% सीढ़ी चढ़ चुके हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, काफी अच्छा यहाँ पे झरना गिर रहा है, उसका ठंडा ठंडा हवा ना, अगर आप लोग नीचे से आओगे ना तो जितना भी पसीना होगा 5 मिनट के अंदर सूख जाएगा, इतना मस्त ठंडा हवा चल रहा है इधर और बहुत तगड़ा ठंडक आ रही है। ये देखो झरना ऊपर से कितना अच्छा गिर रहा है। ओ भाई मन कर रहा है यही चुपचाप सो जाए आज, घर कल चले जाएंगे। एसी तो खेल है भाई, एसी तो एसी, एसी कुछ भी नहीं है इसके आगे भाई, काफी तो अभी गाइस आधा डिस्टेंस कवर कर गए हैं, आधा सीढ़ी चढ़ गए हैं 1000 में, मतलब 500 सीढ़ी चढ़ गए हैं। और भाई हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना कि क्या ही बताएं, फुल कमजोरी लग रही है, विटामिन ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब की कमी लग रही है। अभी बस देवी माता से यही गुजारिश है, हे माँ शक्ति दे माँ, हालत ख़राब हो गई, एक बॉटल पानी बताओ ख़त्म हो गया अभी पीते पीते। और भाई सीढ़ी देखो कितना एकदम हाइट में, एकदम सीधा ऊपर की तरफ है सीढ़ी। और वो देखो सामने है मंदिर माता जी का, फटाफट अभी वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं भैया फुल पावर में, पावर तो बचा नहीं है लेकिन फुल है, चले चलते हैं। इसमें भर लेंगे तो आपको दिखाएंगे फुल हो जाएंगे। हाँ फाइनली पहुँच गए हैं माता जी के दरबार में, और ये देखो यहाँ पे है कुदलगढ़ी माता जी। और अभी हम लोग भाई हालत ख़राब हो गई है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, ये रही हमारी माता जी, अभी फटाफट पूजा करते हैं और दिखाते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो अभी गाइज हम लोगों का पूजा कंप्लीट हो गया है भाई, अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे, वहाँ पे 2-4-10 मिनट काम है, उसके बाद सीधा घर चलेंगे। अंधेरा होने से अपना प्लान है कि पहले निकलना है, गाड़ी का कंडीशन सही नहीं है तो इसलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। पूजा हो गया, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के, और पूजा करने आता हूँ तो भाई अलग ही फीलिंग आती है, मतलब अलग टाइप का वाइब आता है। और पता है यहाँ आने में ना इतना अच्छा रोड बन गया है, मतलब अगर मेरे घर से तो 90 किलोमीटर के आसपास पड़ा था, उसमें से सिर्फ 5 किलोमीटर ही रोड खराब होगा बीच बीच में कहीं कहीं पे, बाकी पूरा रोड एक नंबर ढलैया हो गया है और उस पर डामरिंग भी हो गया है, पूरा अच्छे से रोड बन गया है। ये देखो गाइस कितने सारे बंदर घूम रहे हैं इधर, अगर आप लोग अपना प्रसाद फोन वोन सब बचा के रखे रहना, नहीं तो ये लोग लूट के चले जाते हैं, बहुत लोगों के साथ हुआ है, प्रसाद तो अक्सर लूट लेते हैं। तो अभी गाइस जा गए हैं समोसा खाने भाई, घर निकलने से पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि कब पहुंचेंगे कोई कंफर्म नहीं है, तो उससे पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, जंगल में कहीं फंस गए तो भाई रात भर भूखा ही रहना पड़ जाएगा। तो गाइज अपना ये समोसा आ गया है भाई, इसको फटाफट खाते हैं और निकलना भी है अपन लोगों को, ये देखो टेस्ट इसका सही आ रहा है। तो अभी गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पूजा हम लोगों की कम्प्लीट हो गई है, और भाई हम लोगों को अंधेरा होने से पहले मतलब जंगल क्रॉस करना है जो 40 किलोमीटर का जंगल है, तो भाई फटाफट यहाँ से चलते हैं। और भाई मेरा पैर ना इतना ज़्यादा कांप रहा है ना, क्या ही मतलब ऐसे ऐसे कांप रहा है पूरा पैर, कहीं पे स्टेबल खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वो देखो वो पहाड़ दिख रहा है ना, उससे भी ऊपर उस साइड गए थे, काफ़ी एकदम हाइट में ऐसे सीधा सीढ़ी चढ़ना पड़ा, पैर की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो फटाफट अभी चलते हैं आगे का, देखते रहो क्या सीन रहता है, चलो। तो अभी गाइस बिहारपुर पहुंचने वाले हैं, 7-8 किलोमीटर उससे पीछे ही हैं बिहारपुर से। और भाई इस बाइक का क्या ही बोले, 500 का बाइक में तेल डलाए थे, सारा तेल खत्म हो गया, आधे रास्ते में ही अटक गया बताओ। अभी इसको मतलब घर पहुंचने के लिए 200 से ऊपर ही प्लस ही जाएगा, 250 के आसपास तेल लग जाएगा, बीच में बताओ जंगल में फंस गए हैं। एक दो लोगों को बोले कि भैया थोड़ा बाइक खिंचवा दो यार, बोलते हैं ये लोग क्या ही बोले। सीन ये है ना देखो, तेल मिल जाता है दूर दूर तक, मतलब 4-5 किलोमीटर के डिफरेंट में मिल जाता है, लेकिन बात यह है कि इधर फोन पे नहीं चलाते और हम लोग का जितना कैश था सारा कैश खत्म हो गया है। अभी देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे, एक भैया बता रहे थे कि आगे तेल मिल जाएगा किसी दुकान पे, जनरल स्टोर पे, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वहाँ तक बाइक हिटाते उसके बाद दिखाते। क्या ही बताए यार, इधर देखो चढ़ाई है और बाइक हिल तक नहीं रही है, मतलब चक्का इतना ज़्यादा जाम हो गया इसका, क्या बताए क्या करने गया, कहाँ भाग गया वो। एक छोटा सा डब्बा लेके भाग गया कोने में चला गया वो। अरे बालू खा ले रहे, अता पता नहीं चलेगा यहाँ पे, इतना दूर दूर जंगल है, बताओ जंगल में गया छोटा सा 200 ml का डब्बा लेके। भाई वो तो मेरी बाइक, शेर बहुत मारेगा तुमको निवरा निवरा के। तो अभी गाइस 3-4 किलोमीटर पैदल गाड़ी हिटाने के बाद, मतलब चलने के बाद फाइनली एक दो दुकान मिला है, और देखते हैं यहाँ पे फ़ोन पे चलता है कि नहीं, कैश भी अपने पास नहीं है,
भैया शायद यहाँ पे फोन पे चलते हैं भाई, पेट्रोल मिल जाएगा नहीं फोन पे होता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे स्कैनर तो है, फोन पे चलाते हैं, कैश दे दो, फोन पे करते हैं, कुछ कैश दे देंगे यार, बहुत दूरी जाएगा, 150 के आसपास फोन पे कर देना है आपको, तेरे भी नहीं है, 200 हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉगर हैं रमेश साहब ब्लॉग्स, 1000 के आसपास होने वाले हैं। तो भाई फाइनली तेल मिल गया यार, तो भाई बहुत हेल्प किया, देखते हैं यहाँ से कैश ले लेते हैं, उसके बाद बगल वाली दुकान से पेट्रोल ले लेंगे, फिर चलेंगे फुल पावर में, देखते हैं उसमें भी ना अटक जाए कहीं 200 के तेल में भी, और ये वाले अरे तो ये तेल अलग रहता है, 30 का बेच देगा ना, 60 देगा ना, तो ये तेल अलग रहता है ना, अरे फिर भी हमको 60 में तो 50 देगा, फोन पे कर देगा मान लो, तो अभी गाइस तेल तो डल गया है, देखते हैं कहां तक एवरेज देता है ये भाई, बहुत तगड़ा आसपास ये गाड़ी थका दी यार भाई, दूसरी गाड़ी रहती तो इतना में तो हम लोग सिंगरौली वापस चले भी जाते, बहुत जगह चले जाते, कितना तेल हो गया 700 का तेल लग गया, बताओ अगर डिलक्स उलक्स नॉर्मल गाड़ी होती तो उसमें 400 में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों इतना तेल खा रही है, आज 30 का भी एवरेज नहीं दे रही है। एक्चुअली बात यह है ना, ये गाड़ी बहुत दिन से रखी हुई थी, मतलब हम लोग कल ही लाए हैं इसको, रिलेटिव का है, कल ही लाए हैं और आज ट्रिप पर ले कर निकल दिए, बहुत बड़ा बड़ा सीन हुआ है यार, पूरा नहीं बता सकते, फटाफट अभी चलते हैं, अब तो दुबेरा लेके गाड़ी वाला आएंगे नहीं, इस गाड़ी को वापस पहुंचा दो जहां से लाए हो, दुबेरा गाड़ी इसको लेके आएंगे नहीं, तो भैया अंधेरा हो गया है, जानते हो अपना बसंती ही ठीक है भाई, हम लोगों का कितना भी कबाड़ गाड़ी हो लेकिन वो धोखा नहीं देती, धोखा नहीं देती ऐसे बीच में, लेकिन ये आज धोखा का बाप दिए, मतलब दो तीन जगह हम लोगों को फंसाई है। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गया हूं अभी, और अभी टाइम हो रहा है 7:40, काफ़ी लेट लग गया हम लोगों को आने में, 4 हम लोग वहां से निकले हुए थे, बट 3:40 लग गए आने में, वैसे टाइम लगता है 3 के आसपास, 2.5 से 3, बट अभी एक्स्ट्रा टाइम लग गया 1 के आसपास, वो बीच में जब हम लोगों की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ था ना उस टाइम ज़्यादा टाइम लग गया था। और भाई एक और बात, जब भी कहीं बाहर ट्रिप पे जाना है, सिटी से बाहर जाना, तो वहाँ कैश पैसा लेके चलना, फोन पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भरोसे मत रहना बिल्कुल भी, आज हम लोग बहुत जगह फंसे हुए थे और बहुत ही मुश्किल से जाके पैसा मिला, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और बहुत जगह तो पैदल भी चलना पड़ा गाड़ी लेके, तेल ख़त्म हो गया था उसकी वजह से। तो आई होप आप सबको ये हम लोगों की ट्रिप पसंद आई होगी, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करना होगा कर देना भाई फुल पावर में, क्या ही बोले भाई, शरीर ये हाथ बहुत कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पैर तो अलग है, और आज लग रहा है फीवर भी आ गया है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, सपोर्ट खूब दिखाओ भाई, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दो, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, चलो बाय।